खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हरियाणा की छोरियां किसी भी तरह छोरों से कम नहीं है। आमिर खान की फिल्म दंगल में ऐसा ही एक डायलॉग था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा के पानीपत में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन क्या इस नारे ने वाकई बेटियों को लेकर लोगों का नजरिया बदल दिया है? क्या हरियाणा में पूरी तरह महफूज हैं बेटियां? इसकी पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही। आप भी देखिए हरियाणा के पानीपत और करनाल से विजय फैक्टर। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल रहा। सिक्योरिटी मतलब अपने आत्मनिर्भर हो रही है तो सर सिक्योरिटी भी हो रही है, खुद अपने बचाव कर रही है सर। लेकिन जो बाकी लोग औरों की सोच, हम अपनी गारंटी दे सकते हैं औरों की सोच की नहीं। कुछ रेक्टिफिकेशन भी होनी चाहिए इसके अंदर, कुछ चीज़ें और इंक्लूड होनी चाहिए। मोस्टली जो केसेस होते हैं उनमें गर्ल्स की ही प्रॉब्लम होती है, बट ये तो नहीं है कि 3 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, 5 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है। क्या मतलब वो कुछ कर रही है कि जिसकी वजह से उसके साथ रेप हो रहा है? तो ऐसा तो नहीं है। अगर बेटियाँ पढ़ रही हैं लेकिन बेटियाँ बच नहीं रही हैं। एबीपी संवाददाता विजय विद्रोही हरियाणा के पानीपत में सियासी समीकरणों की पड़ताल करने निकले हैं। ऐतिहासिक शहर पानीपत ने अतीत में कई लड़ाइयां देखी और हर लड़ाई के बाद देश के इतिहास को करवट लेते देखा। इसी शहर में करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के हक की सबसे बड़ी लड़ाई का बिगुल फूंका था। पानीपत की धरती से ही पीएम मोदी ने पूरे देश को एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब तक एक समाज के रूप में हम इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। ऐसा नहीं है, हम आने वाली सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयंकर संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। हम पानीपत में हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। देश भर के 100 ऐसे जिले छांटे गए थे जहां महिलाओं का अनुपात सबसे कम था। इन 100 जिलों में पानीपत जिला भी था और हरियाणा के आधे दर्जन से ज्यादा जिले भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की बात कर रहे हैं, उसके तहत पानीपत समेत 100 जिलों को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस धनराशि का इस्तेमाल बच्चियों के प्रति समाज की सोच बदलने में हुआ। बच्ची पैदा होने पर डिलीवरी फ्री की गई। बच्ची के पैदा होते ही बैंक खाते में 20,000 रुपए की FD करवाई गई। ऐसे अनेक उपाय अलग अलग राज्य सरकारों ने किए, लेकिन जिस उम्मीद के साथ पानीपत को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से जोड़ा गया था वो मुरझा गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आप संतुष्ट हैं जिस ढंग से अभी सरकार काम कर रही है, या इसमें आप चाहेंगे कि कुछ और चीजें जोड़ी जाए? सर वैसे तो सरकार ने काफी अच्छा कदम उठाया इस चीज का, लेकिन कुछ रेक्टिफिकेशंस भी होनी चाहिए इसके अंदर, कुछ चीजें और इंक्लूड होनी चाहिए। सरकार एक तरीके से लालच दे रही है लोगों को कि आप अगर बेटी बचाएंगे तो आपको ये सारे चीज़ें मिलेंगी, इतना आप लोगों को पैसा मिलेगा या ये, तो ये सब नहीं होना चाहिए। उनको लोगों को जागरूक करना चाहिए, बेटियों की कीमत बतानी चाहिए, ना कि उनकी कीमत लगानी चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही ने कई लड़कियों से बातचीत की। उनमें से ज्यादातर ने यही माना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम धीरे धीरे रंग ला रही है। राज्य सरकार की तरफ से बेटियों के माँ बाप को मदद भी दी जा रही है, लेकिन इस मुहिम के बावजूद लड़कियों को लेकर समाज की सोच में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। महिलाएं राजनीति में आएंगी तो ज्यादा सक्रिय रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक हो सकता है।
सर ऑफ कोर्स अगर वो पॉलिटिक्स में आती हैं तो ये कुछ ना कुछ मतलब एक तरह से रेक्टिफिकेशन ही होगी, लेकिन अगर बात की जाए बेटियों के बचाव की तो वो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बहुत ही कम है। अभी कल ही 5 साल की एक लड़की के साथ भी रेप हुआ है कि क्या कहते थे कि लड़कियों मोस्टली जो केसेस होते हैं उनमें गर्ल्स की ही प्रॉब्लम होती है, बट ये तो नहीं है कि 3 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, 5 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, क्या मतलब वो कुछ कर रही है कि जिसकी वजह से उसके साथ रेप हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। अगर बेटियां पढ़ रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं रही हैं। पानीपत की बेटियों ने कैमरे के सामने जो दर्द बयां किया, कमोबेश वही दर्द पूरे हरियाणा की बेटियों का है। आज भी लड़कियां खुद को या तो अपने घर के अंदर महफूज समझती हैं या फिर कॉलेज की चार दीवारी में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कागजों में रह गया या वास्तव में कुछ हो रहा है? अभी तक तो कागजों में ही है, कागजों में ही है, यहाँ पर तो इतना कुछ नहीं है। आपने आपको सेफ महसूस नहीं किया? कॉलेज में तो सेफ ही है, बाहर तो नहीं है। पानीपत में महिलाओं के लिंगानुपात के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। लिंगानुपात में पिछड़ा पानीपत, 2017 में महिलाओं का लिंगानुपात 945 हो गया था, 2018 में पानीपत का लिंगानुपात घटकर 901 रह गया, 2018 में हरियाणा का लिंगानुपात 914 था। विजय विद्रोही को पानीपत में कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि पूरा अभियान कागजों पर ही चल रहा है। हरियाणा के कुछ जिलों में महिलाओं के लिंगानुपात में सुधार भी आया है। इस फेहरिस्त में जींद जिले का नाम शामिल है। जींद में कभी 1000 पुरुषों के पीछे 822 महिलाएं हुआ करती थीं, अब जींद में 1000 पुरुषों के पीछे 927 महिलाएं हैं। हरियाणा का लिंगानुपात किसी वक्त 857 हुआ करता था, 2018 हरियाणा का लिंगानुपात 922 हो गया। जींद में बदलती तस्वीर के बारे में विजय विद्रोही ने चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में कुछ छात्राओं से बातचीत की। आपके लिए भी महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं खुद एक महिला हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझसे रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो फ्यूचर में स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मुझसे रिलेटेड की जा रही है, सब चीजों का पता होना चाहिए। बेटियों के विकास और उनकी सुरक्षा की बात हरियाणा विधानसभा चुनावों में भी हो रही है, लेकिन हैरत की बात है कि हरियाणा में बेटियों को बढ़ावा देने की बात तो सभी दल कर रहे हैं, मगर राजनीति के अखाड़े में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, बीजेपी ने 12 महिलाओं को टिकट दिया है, कांग्रेस ने 10 महिलाओं को उतारा है, INLD ने 15 महिलाओं को टिकट दिया है। अलबत्ता कांग्रेस ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का वायदा किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि महिलाओं के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था की जाएगी और सैनिटरी नैपकिन के लिए वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। बेटी बचाओ अभियान से ही जुड़ा है खुले में शौच से मुक्ति का अभियान और गैस चूल्हा देने की योजना, ताकि धुएं से माता बहनों की आंखों से लेकर फेफड़े खराब ना हो। विजय विद्रोही ने पानीपत से सटे करनाल जिले में कुछ ग्रामीण महिलाओं से इन योजनाओं के बारे में जानना चाहा। हमने हरियाणा में पानीपत से लेकर जींद तक कुछ शहरी महिलाओं से बात की, आज करनाल के एक छोटे गांव में हैं, गांव की महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने शुरू की थी यहां से योजना हरियाणा से, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या बेटियां पढ़ रही हैं, बच रही हैं, या आप लोगों के साथ क्या दिक्कत? नहीं इतना तो नहीं सर, मतलब पढ़ तो रही हैं पर इतना नहीं जितना मतलब बढ़ना चाहिए, सेफ नहीं है, मतलब इतना सेफ नहीं है। जैसे आप कॉलेज जाती हैं तो आपके आपको सेफ महसूस करते हैं? नो सर। और आगे जैसे टीचिंग जॉब है या कुछ? तब जैसे अब बच्चे बदतर ही होते जा रहे हैं, पर अच्छे तो नहीं हो रहे। महिलाओं के लिए खास तौर से खट्टर सरकार ने कुछ किया है? आपको शौचालय वगैरह बनवा के दिए? नहीं जी, कई बार फार्म भर चुके हैं, कोई पैसा नहीं मिला अब तक। कोई पैसा नहीं? गैस का कनेक्शन? गैस कनेक्शन है। आवास योजना में घर? नहीं जी, घर नहीं मिला, कई बार फार्म भी भर चुके हैं, एप्लीकेशन भी लगा चुके हैं, फिर कोई हाल तो कोई हल नहीं निकला चीज का। मुख्यमंत्री खट्टर का दावा है कि हरियाणा विकास के घोड़े पर सवार है, लेकिन खुद उन्हें 3-4 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो जाट आरक्षण का आंदोलन हो, बाबा रामपाल की गिरफ्तारी हो, या फिर बाबा राम रहीम को जब सजा सुनाई गई थी तब जो व्यापक हिंसा हुई थी वो। 2017 में तो पार्टी के 18 विधायकों ने ही मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था, वो खुलकर मुख्यमंत्री खट्टर की कार्यशैली की आलोचना करने लगे थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2014 में करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ा था। तब वो राजनीति में बिल्कुल नए थे, पहली बार विधायक बने थे और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बनकर पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। तो पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ हरियाणा? 5 साल में काफी विकास हुआ हरियाणा में। और करनाल में खट्टर जी का जो इलाका है काफी विकास हुआ। क्या क्या काम? बहुत ज्यादा सड़कें बनी हैं, गली गली में सड़कें बनी हैं, पक्की सड़कें बनी हैं, लाइटें लगी हैं सब जगह, हर एक चौक पे, हर एक चौक का निर्माण हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी ने कितना बदला? बहुत बदल दिया जी। क्या क्या हुआ 5 साल? सड़क बन गई, सारे काम हो रहे हैं, पुल बन गया है, सड़कें बन गई हैं, सब सड़क बन रही है, रेलवे का पुल भी बन गया है जी, लाइटें लगी हैं, लाइटें लगी है, सारे काम हो रहे हैं। आपका वक्त कैसा चल रहा है? बस सही चल रहा है जी, जिंदगी सही चल रही है, बहुत बढ़िया। कितना काम हुआ यहाँ? काम बहुत हुआ, बहुत काम हुआ। 5 साल में कितना काम हुआ? बहुत कुछ हुआ, सारे हरियाणा में हुआ। थोड़ी कमी, एक बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई, थोड़ा इस पर कंट्रोल सा हो जाए, बच्चे उच्चे फिर कोई दिक्कत को। आपको पता है राज्य हरियाणा में बेरोजगारी की दर 28% है, इंडिया की 8% है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। नहीं ये तो फिर सिर्फ पहले से होती आ रही है ना, ये भी तो क्या करा अकेले। खट्टर जी की शख्सियत में, पर्सनैलिटी में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? एक तो बेईमान आदमी नहीं है, अच्छे आदमी, अभी मतलब एक ईमानदार नेता की। अब वो भतीजा भाईवाद ये वाद वो नहीं है इन लोगों में। विकास और बेरोजगारी के अलावा पिछले 5 सालों के दौरान हरियाणा की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी काफी अहम है। साल 2014 में सबसे पहले रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान हिसार में हिंसा भड़क गई थी। फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 30 लोग मारे गए थे। जाट आरक्षण आंदोलन की हिंसा के बाद अगस्त 2017 में एक बार फिर हरियाणा हिंसा की आग में जला। बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में भी 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। राम रहीम के समय बड़ी हिंसा ओ हिंसा तो हुई थी। देखो हिंसा तो हर सरकार में हो सकती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है हिंसा होना। तो कांग्रेस के टाइम में ही बहुत हिंसा हुई थी, राम रहीम के समय बड़ी हिंसा हुई। ओ हिंसा तो हुई थी। देखो हिंसा तो हर सरकार में हो सकती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है हिंसा होना। तो कांग्रेस के टाइम में ही बहुत हिंसा हुई थी। जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ था, बाबा राम रहीम वाला हुआ था, बड़ी आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी। ये गलत है, ये गलत है, संभाल नहीं पाए। हाँ जी बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल। बीजेपी मिशन 75 की बात कर रही है, लेकिन ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि मनोहर लाल खट्टर सरकार कितने पानी में है। वैसे बड़ा सवाल उठता है कि खट्टर सरकार का काम चुनावों में काम आएगा या चौटाला परिवार की टूट फूट और कांग्रेस की फूट की सियासी लूट बीजेपी को दोबारा से सत्ता में लाएगी। कैमरामैन ललित के साथ विजय विद्रोही, करनाल, एबीपी न्यूज़।